गाइस लास्ट वीडियो में मैंने डेल्टा क्रॉप, ग्रैंडमार्क लिमिटेड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ये तीन शेयर्स रिकमेंड किए थे पर्टिकुलर वीक में बाय करने के लिए। इन तीनों ही शेयर्स ने लगभग हमें 5 से 10% का रिटर्न कंसिस्टेंस और वीकली बेसिस पे दिया है। कुछ इसी तरीके के शेयर्स मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आया हूँ, जिन तीन शेयर्स को आप मंडे ट्रेडिंग सेशन में स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करके चल सकते हो और मार्केट से अगेन 5 से 10% का रिटर्न पर्टिकुलर वीक में इजिली अर्न कर सकते हो। इन शेयर्स में बहुत ही अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, अगर ये शेयर गिवन प्राइस के ऊपर सस्टेन करता है तो तुरंत आपको बाय कर लेना है। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर वन शेयर की, दैट इज रैमको सीमेंट, विच इज माई फेवरेट वन टू। इस शेयर को मैं पिछले कुछ टाइम से कंसिस्टेंसली ट्रैक कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसली इस शेयर में हायर आई सीरीज कंटिन्यू है। अगर मंडे ट्रेडिंग सेशन में ये शेयर 843 के ऊपर सस्टेन करता है तो तुरंत बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है। बात करें स्टॉप लॉस की तो 828 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 874 का टारगेट लेके चलना है। बात करें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की तो इसमें जो आपको डील मिलने वाली है वो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे मिलने वाली है, विच इज लिटरली अमेजिंग गाइस। जैसा आप देख पा रहे होंगे पिछले कुछ टाइम से इसमें हायर राइज सीरीज कंटिन्यू है विद हाई वॉल्यूम, और आज के ट्रेडिंग सेशन में इसमें लिटरली लार्ज वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, जो कि ये बताता है नेक्स्ट डे इस शेयर में गैप अप ओपनिंग डेफिनेटली हो सकती है। बात करें एमएसईडी की तो एमएसईडी पॉजिटिव टेरिटरी में वाइडर होता जा रहा है, जो कि अगेन यहाँ पर कंटिन्यू अप ट्रेंड को डिनोट कर रहा है। तो इन्हीं तीन बड़े कारणों की वजह से आप इस शेयर को मंडे ट्रेडिंग सेशन में स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करके चल सकते हो, अगर ये शेयर गिवन प्राइस के ऊपर सस्टेन करता है। चलिए बात करते हैं इस लिस्ट के सेकंड शेयर, दैट इज बिरला सॉफ्ट लिमिटेड। इस शेयर में भी बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और रिसेंट में ये शेयर एक सॉलिड ब्रेकआउट दे रहा है। जैसा कि गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे इस शेयर में कुछ इस टाइम से कंसिस्टेंटली लोअर लोस की सीरीज या वी कैन से दैट एक डाउन ट्रेंड ही चल रहा, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने इस रेंज को ब्रेकआउट करने की कोशिश किया विद द लार्ज वॉल्यूम, जो कि सॉलिड बुल मोमेंटम को इंडिकेट करता है। अब देखना यही है, अगर मंडे ट्रेडिंग सेशन में मार्केट इस ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन करता है जो कि 332 का है, तो जैसे ही ये शेयर इस लेवल के ऊपर आए तुरंत बाय कर लेना है। बात करें स्टॉप लॉस की तो 325 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 354 का टारगेट लेके चलना है। चलिए बात करते हैं इस लिस्ट के लास्ट शेयर की, विच इज नॉट लिस्ट, दैट इज रेडिको। इस शेयर को भी मैं पिछले कुछ टाइम से कंसिस्टेंटली ट्रैक कर रहा हूँ और रिसेंट में इस शेयर ने अगेन एक रेंज को ब्रेकआउट किया है विद द लार्ज वॉल्यूम। जैसा कि गाइस आप सभी देख पा रहे हैं पिछले कुछ टाइम से ये शेयर एक रेंज में ट्रेड हो रहा था, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया विद अ हेल्दी बुलिश कैंडल। तो देखना यही है, अगर मंडे ट्रेडिंग सेशन में ये शेयर 1155 के ऊपर सस्टेन करता है तो तुरंत बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है। बात करें स्टॉप लॉस की तो 1134 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 1195 का टारगेट लेके चल रहे हैं। बात करें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की तो ये ट्रेड आपको 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे मिलने वाली है, विच इज लिटरली अमेजिंग गाइस। जैसा कि गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे एमएसईडी को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो एमएसईडी नेगेटिव टेरिटरी से पॉजिटिव टेरिटरी में जाता हुआ नजर आ रहा है, वाइडर होता हुआ नजर आ रहा है, तो एमएसईडी भी यहाँ पर एक सॉलिड अप ट्रेंड को डिनोट कर रहा है। बेसिकली गाइस ये तीन शेयर्स थे, अगर ये तीनों शेयर गिवन प्राइस के ऊपर सस्टेन करें तो तुरंत आपको बाय कर लेना है। डेफिनेटली पर्टिकुलर वीक में 5 से 10% का रिटर्न ये शेयर्स आपको इजीली दे सकते हैं पर्टिकुलर वीक में। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जस्ट सब्सक्राइब द चैनल।